हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S23 FE और सैमसंग गैलेक्सी S23 का। इसमें दिया है एक्जीनॉस 2200 और इसमें दिया है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 और ये दोनों ही फोन्स 50-60,000 में अवेलेबल है। तो आज मैं दोनों का एक इनडेप्थ कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में और आपको बताऊंगा दोनों में से कौन सा S23 लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन आ सके और अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजाइन की बात करेंगे तो गैलेक्सी S23 FE में शाइनी ग्लास बैक दिया है और कैमरा लेंस सेपरेटली प्लेस्ड बैक पैनल पर और इस पर हल्के फिंगरप्रिंट्स मर्जेस आते हैं। गैलेक्सी S23 में प्लेन मैट फिनिश ग्लास बैक है जिस पर फिंगरप्रिंट मार्क्स नहीं आते और इसके भी कैमरा लेंस सेपरेटली प्लेस्ड है और लुक्स दोनों के काफ़ी सिमिलर है। दोनों में ट्रिपल कैमराज दिए गए हैं। S23 FE में कर्व्ड मैट फिनिश एल्युमिनियम फ्रेम है और S23 में कर्व्ड शाइनी फिनिश आर्मर्ड एल्युमिनियम फ्रेम। दोनों में ड्यूल 5G सिम और स्टीरियो स्पीकर्स है। S23 FE में गोरिल्ला ग्लास 5 और S23 में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोडक्शन है फ्रंट और बैक में। S23 FE में ओवरऑल बेजल्स प्राइस के हिसाब से मोटे हैं, स्पेशली चेन वाला तो अच्छा खासा मोटा बेजल है और पंचोल सेल्फी कैमरा दिया गया है। S23 में भी पंचोल सेल्फी कैमरा है। इसमें चारों कॉर्नर्स में यूनिफॉर्म बेजल है जो FE से काफ़ी कम है। दोनों में कर्व फ्रेम विद फ्लैट डिस्प्ले है। दोनों में ग्रिप काफ़ी अच्छा है और दोनों पकड़ने में काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं, बट छोटे साइज की वजह से S23 हल्का ईजी है पकड़ने में। दोनों फोन्स IP68 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट भी है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो दोनों एंड्रॉइड 13 पर है विथ 1UI 5.1 और दोनों में 4 मेजर अपडेट्स और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। UI वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों का स्मूथ रहता है, कोई लैग वगैरह नहीं मिलता, बट बहुत ज़्यादा ऐप्स खुले होने पर S23 FE का UI हल्का सा लैग होना शुरू हो जाता है एक्जीनॉस 2200 की वजह से। नॉर्मल S23 ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइज्ड है और एनिमेशंस भी ज़्यादा स्मूथ रहते हैं। दोनों में कोई भी फालतू के ब्लोटर ऐप्स नहीं आते, सिर्फ फेसबुक स्पॉटिफाई नेटफ्लिक्स पहले से इंस्टॉल्ड है। बाकी दोनों में नॉक सिक्योरिटी दी गई है। दोनों में कस्टमाइजेशन के लिए कलर पैलेट फॉर UI वाला ऑप्शन है और दोनों में डेडिकेटेड थीम स्टोर भी दिया गया है जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। S23 FE में 14 5G बैंड्स है और S23 में 16 5G बैंड्स। दोनों में वाईफाई 6E NFC और ब्लूटूथ 5.3 का भी सपोर्ट है और दोनों का वाईफाई रेंज सिमिलर है। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। दोनों में से बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। S23 FE में दिया है एक्जीनॉस 2200 और S23 में दिया है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 और दोनों ही ऑन पेपर्स अच्छे खासे पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट है। दोनों के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो AnTuTu रन हो रहा है और हमने वीडियो का स्पीड इंक्रीज कर दिया है। टेस्ट हो चुका है और S23 ने टेस्ट जीता है ऑलमोस्ट 2.7 लाख ज़्यादा स्कोर करके, बट टेस्ट के वक्त नॉर्मल S23 का टेम्परेचर ज़्यादा राइज हुआ है S23 FE के कंपेरिजन में। अब इससे परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है या नहीं वो तो आगे पता चल जाएगा। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया या PUBG। S23 FE में स्मूथ पर एक्सट्रीम FPS और बैलेंस से लेकर HDR तक अल्ट्रा FPS का ऑप्शन मिलता है जो डिसअपॉइंटिंग है, और S23 में स्मूथ पर 90 FPS, बैलेंस से लेकर HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HD पर अल्ट्रा FPS का ऑप्शन मिलता है। तो BGMI पहले S23 में ओपन हुआ है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं Asphalt 9। दोनों फोन्स 8GB वाले वेरियंट है और दोनों में 8GB की वर्चुअल रैम भी दी गई है। S23 FE में सभी वेरिएंट्स में UFS 3.1 की स्टोरेज है, जबकि S23 में 128GB में UFS 3.1 और 256GB वाले वेरिएंट में UFS 4.0 की स्टोरेज है। S23 FE में LPDDR5 और S23 में LPDDR5X RAM है। ये गेम भी S23 में ही पहले खुला है। तो आप स्कोर है S23 का 2 और FE का 0। नेक्स्ट ओपन करेंगे बीजवर्गी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो FE में गेमिंग के वक्त ज़्यादा हीटिंग है, S23 थोड़ा कम हीट होता है। ये गेम FE में पहले खुला है। नेक्स्ट चालू करेंगे सबवे सर्फर। FE में 4,500 mAh की और S23 में 3,900 mAh की बैटरी है और FE में 6.5 घंटे का और S23 में 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। सबवे सर्फर भी पहले S23 FE में ही ओपन हुआ है। अब लास्ट में चालू करेंगे हंगरी शार्क एवोल्यूशन। दोनों फोन्स वायर से 20W फास्ट चार्जिंग वायरलेस और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। ये गेम पहले ओपन हुआ है S23 में, तो 5 में से 3 गेम्स S23 में और 2 गेम FE में पहले खुले हैं। और एक बार गेम ओपन हो जाए तो उसके बाद S23 में गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर मिलती है स्नैपड्रैगन की वजह से। S23 FE के हीटिंग की वजह से गेमिंग में उतना मज़ा नहीं आता और ग्राफिक ऑप्शंस भी कम मिलते हैं एंड हाई एंड गेम्स में फ्रेम ड्रॉप भी देखने को मिलते हैं। बाकी डेली यूज़ के ऐप में वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, कभी S23 में पहले खुलता है तो कभी S23 FE में। अब कैमरा की बात करेंगे तो FE में ट्रिपल कैमराज है, 50MP का मेन, 8MP का 3x टेलीफोटो और 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। S23 में भी ट्रिपल कैमराज है, 50MP का मेन, 10MP का 3x टेलीफोटो और 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों में फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 60fps वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन S23 में 8K 30fps और FE में 8K 24fps का भी ऑप्शन है।
दोनों के बैक कैमरे में 960 FPS सुपर स्लोमो और फ्रंट में 120 FPS का स्लो मोशन है। बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद इफेक्ट्स, पोर्ट्रेट वीडियो, अल्ट्रा स्टडी वीडियो, ब्यूटी मोड, फूड मोड, प्रो मोड, बुमरैंग एंड रिवर्स वीडियो, डायरेक्टर्स मोड और पैनोरामा मोड है। S23 में सिर्फ एक्सपर्ट रॉ ऑप्शन एक एक्स्ट्रा फीचर है। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल देखते हैं। दोनों में फोटोज जबरदस्त आते हैं, कलर्स दोनों में काफी वाइब्रेंट है, डिटेल्स काफी शार्प है। डायनेमिक रेंज कभी S23 FE का बेटर होता है तो कभी नॉर्मल S23 का, और कभी S23 वाइब्रेंट होता है तो कभी S23 FE, फिर चाहे वो मेन कैमरा का फोटो हो या फिर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का। S23 FE में 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और S23 में 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, बट क्रॉप करने पर डिटेल दोनों में सेम रहती है। HDR दोनों का काफी अच्छा काम करता है हाइलाइट्स और शेडोज के बीच बैलेंस मेंटेन करने का, बट S23 FE हल्का सा बेटर होता है ज्यादातर शॉट्स में। पोर्ट्रेट्स दोनों में काफी अच्छे आते हैं, कलर्स और स्किन टोन सिमिलर है, बट डायनेमिक रेंज FE का बेटर है क्योंकि डार्क एरियाज में डिटेल्स बेटर विजिबल है। एज डिटेक्शन दोनों में अच्छा है और डिटेल्स दोनों में ही काफी शार्प है। दोनों में 3x पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं। FE थोड़ा ज्यादा जूम्ड इन है और यहाँ भी डायनेमिक रेंज FE का ही बेटर है। S23 थोड़ा ज्यादा ही सैचुरेटेड है। इंडोर पोर्ट्रेट्स में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस S23 का स्किन टोन और कलर हल्का बेटर है। FE में हल्का सा वाइट इफेक्ट आया है लाइट की वजह से। बाकी इंडोर शॉट्स में कलर्स और डायनेमिक रेंज कभी S23 के बेटर होते हैं तो कभी FE के। लोलाइट परफॉर्मेंस दोनों की काफी सिमिलर और काफी अच्छी है। डार्क एरियाज में डिटेल्स दोनों काफी सिमिलर कैप्चर करते हैं, कलर्स प्रॉपर और वाइब्रेंट है, बस कभी FE हल्का बेटर होता है तो कभी S23। आउटडोर सेल्फी में दोनों काफी जबरदस्त है, डिटेल्स काफी शार्प है, बस कलर्स में बहुत माइनर डिफरेंस है। FE हल्का सा वार्म है। इंडोर सेल्फी भी दोनों की काफी सिमिलर है और यहाँ S23 FE मार्जिनली बेटर है डायनेमिक रेंज में। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। दोनों में स्टेबलाइजेशन काफी अच्छा है, दोनों काफी स्टेबल है OIS की वजह से। डायनेमिक रेंज भी दोनों का सेम है, बस FE हल्का ज्यादा वाइब्रेंट है। यह है सेल्फी वीडियो 1080p 60 FPS पर। यहाँ पर कलर्स, डायनेमिक रेंज और डिटेल्स S23 में बेटर है। FE हल्का सा सॉफ्ट है, बाकी स्टेबलाइजेशन दोनों का सेम है। नाइट में S23 के कलर्स प्रॉपर है और डिटेल्स ज्यादा शार्प है। FE में हल्के कूलर कलर टोन्स है, डार्क एरियाज में डिटेल्स दोनों में ही सेम है। सिक्योरिटी की बात करके तो दोनों ही फोन्स में आपको इंडस्ट्रियल फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक मिलता है। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों ही S23 के थोड़े ज्यादा फास्ट है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है एंड स्क्रोलिंग स्वाइपिंग दोनों में काफी स्मूथ है, बट S23 में एनिमेशन ज्यादा स्मूथ रहते हैं। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। S23 ऊपर है और FE नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों फोन HDR10+ कंप्लायंट है। दोनों के डिस्प्ले काफी ब्राइट और वाइब्रेंट है, बट S23 हल्का सा ज्यादा ब्राइट है। बाकी विंग एंगल्स दोनों के सेम है। डिस्प्ले टिल्ट करने पर कलर्स या ब्राइटनेस वॉश्ड आउट नहीं लगते। आउटडोर विजिबिलिटी दोनों की काफी अच्छी है, बट FE हल्का सा ज्यादा ब्राइट है, लेकिन दोनों को बाहर यूज करने में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों ही फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तो पहले चेक करेंगे FE का साउंड। अब चेक करते हैं S23 का साउंड। तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है, इसलिए दोनों का साउंड काफी ज्यादा लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है एंड फुल वॉल्यूम पर भी डिस्टॉर्ट नहीं होता। लेकिन FE का साउंड हल्का सा ज्यादा क्लियर एंड लाउड लगता है S23 के सामने। तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो S23 FE और S23 का। S23 गेमिंग परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप और वीडियो शूटिंग में बेटर है, तो S23 FE डिस्प्ले साइज और स्पीकर्स में। कैमरा से फोटो में कोई क्लियर विनर नहीं है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स FE के बेटर थे तो कुछ S23 के। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।